नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या होम्यो केयर चैनल के द्वारा। दोस्तों आज आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वेट वेटिंग बिस्तर पर मूत्र निकलना या बिस्तर गीला करना। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो कभी कभी बच्चे होते हैं जो अक्सर बिछावन पर ही पेशाब कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी परेशानियां होता है। घर के जो लोग होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं और यह कभी कभी यह एक बहुत बड़ा गंभीर मामला बन जाता है, बहुत चिंतनीय बात हो जाता है। यह समस्या न केवल बच्चों में, कभी कभी सयाना बच्चों में भी यह देखा जाता है कि 10 साल 12 साल या 14 15 साल के बच्चे हो गए, यहाँ तक कि कभी कभी बड़े लोगों में भी यह रोग देखा जाता है, जो बहुत ही बड़ी एक गंभीर इसको बीमारी होता है। लोक लज्जा भी इसको मानते हैं और हित दृष्टिकोण से भी देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसका तीन ऐसे मेडिसिन जो आपके लिए बहुत ही वेट वेटिंग के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन है जो हम अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट को दिया करते हैं उसमें है एसिड बेंजोइक, या उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। दोस्तों ये बेंजोइक एसिड दवा जो है इसमें व्यक्ति जो होते हैं या जो बच्चा होता है वह बिछावन पर मूत्र त्यागते हैं या पेशाब कर देते हैं, बट इसमें यह ध्यान रखना है कि इनका जो पेशाब होता है वो इतना दुर्गंध देता है जैसा कि लगता है कि घोड़े की पेशाब की तरह उसमें काफी बदबूदार बहुत ही मनी जो तीखे किस्म के जो गंध होते हैं वो गंध होते हैं जिससे कि नाक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जब कड़वी गंध अगर पेशाब में हो और अनजान में अगर पेशाब निकलता है, साथ ही साथ इस दवा में कभी कभी गठिया बात का अगर दर्द हो या मूत्राशय प्रदाह की शिकायत हो, प्रोस्टेट से संबंधित अगर इसमें कोई गड़बड़िया होती है जिसके कारण भी बड़े या बुजुर्ग में अनजान में पेशाब निकल जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए बेंजोइक एसिड बहुत ही उपयोगी है। याद रखना है कि इसमें जो पेशाब होगा वह घोड़े की जो पेशाब होता है उसमें जो दुर्गंध होता है उसी प्रकार की इसमें कड़वी दुर्गंध पेशाब होता है जो कि बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों दूसरा मेडिसिन है वह है कॉस्टिकम। इसमें भी अनजान में पेशाब करते हैं लेकिन इसके जो रोगी होते हैं वो प्रथम नींद में ही उनको पेशाब हो जाता है। इसके अलावे जो कॉस्टिकम के जो रोगी होते हैं उनको अनजान में चलते फिरते भी बूंद बूंद करके पेशाब होते रहता है पर उनको पता नहीं चलता है। तो कॉस्टिकम के जो रोगी होते हैं उनमें ये पता नहीं चलता है। दूसरी नंबर बात है कि जो कॉस्टिकम के रोगी होते हैं दोस्तों उनमें पेशाब रोकने की कैपेसिटी नहीं होता है और उनको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है। तो वैसे रोगियों के लिए हम अपनी क्लिनिक में कॉस्टिकम उपयोग में लाते हैं और कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा फायदा करता है। यानी जिन बच्चों में बिछावन पर जाते हैं और प्रथम नींद में ही यानी शुरुआती में ही अगर उनको पेशाब हो जाता है, उठाने के बाद वो उठते नहीं हैं या उनको पता तक नहीं चलता है कि हमने पेशाब
हमको बिछावन पर पेशाब हुआ है, तो वैसे रोगी के लिए कॉस्टिकम 30 नंबर की दवा दो दो बूंद 3 बार देनी है। दोस्तों तीसरा मेडिसिन है वो है सीना। दोस्तों यह मेडिसिन उन लोगों में ज्यादा उपयोग में आता है जिनमें कृमि दोष पाया जाता है, अर्थात जिनमें सूत वर्म, टिप वर्म या हुक वर्म अगर उनमें पाए जाते हैं, तो वैसे रोगी के लिए सीना बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो याद रखिएगा, जिस भी रोग में कृमि दोष के कारण अगर बच्चे में बिस्तर पर अगर पेशाब करता है, जिसकी आंख की पुतलियां बढ़ी हुई होती है, तो जिनको अक्सर गैस बनता है, तो वैसे रोगियों के लिए आप सीना 30 नंबर 3 में दो दो बूंद 3 बार देना है। और दोस्तों इसके साथ आपको वन डेज सुबह बिफोर सनराइज यानी सूर्य उगने के पहले आपको एक और मेडिसिन केवल एक से दो बूंद सुबह में देना है, सल्फर। याद रखिएगा, बच्चा अगर है, छोटा बच्चा है, तो उसको 6 नंबर में सल्फर सुबह खाली पेट सूर्य उदय होने से पहले देना है। और सियाने बच्चे हैं या सियाने व्यक्ति हैं तो उनके लिए सल्फर 30 पोटेंसी की दवा उसी तरह सूर्य उदय से पूर्व में देना है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग के परिवार में इस तरह की अगर समस्याएं हैं, आपके घर के अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं और जिससे आप लोग परेशान हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। या आपके दोस्तों या अन्य संगे संबंधितों के साथ इस तरह की परेशानियां हैं, बच्चों में परेशानियां हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो के द्वारा उनको लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में वीडियो लेकर आप लोग के लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।